please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ के अंदर किस तरीके से मनी रिसिप्ट का विल डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कोरल ड्रॉ का वर्जन 2020 है। आप लोग देख सकते हो 2020 का वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का कोरल ड्रॉ है भी, तो आप लोग इजीली यहाँ पर किसी भी तरीके का डिजाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, आपको यहाँ पर मनी रिसिप्ट डिजाइन करने के लिए आपको पेज का साइज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको जाना है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो पेज का साइज के अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जाने के दोस्तों, वेट आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वेट है। वेट के अंदर आपको 7 inches रख देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर 3.2 inches या फिर 3.4 inches के आसपास देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैं 3.2 inches के आसपास देकर यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगा। तो एंटर करने के बाद दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर कम्प्लीटली एक यहाँ पर पेज रेडी होकर आ चुका है। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीके से पेज रेडी नहीं होकर आया, तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों, देख सकते हो 7.7 inches और 3.2 inches आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से आने के बाद अब आपको दोस्तों इसके अंदर इजीली आप लोग डिजाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आपको जितना जूम वगैरह करना है तो यहाँ से आप लोग इजीली जूम आउट, जूम इन वगैरह इस तरीके से इजी तरीके से करते हुए यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर डिजाइंस करना है। तो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोगो ऐड कर देना। आप चाहे तो यहाँ पर एक बॉर्डर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, आपको बॉर्डर क्रिएट करने का भी जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो बॉर्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको रेक्टेंगल प्रॉपरली ड्रॉ कर देना है। प्रॉपरली ड्रॉ करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर रेक्टेंगल का वेट आपको कितना बनाना है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो रेक्टेंगल का वेट आपको इजीली देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 या फिर 3 point के आसपास बना लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से। अब चाहे इसको कलर ग्रीन वगैरह इस तरीके से देकर भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो इतना तक करने के बाद दोस्तों, आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर होने के बाद, अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको कंपनी का लोगो अटैच करना है। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लोगो अटैच करने के लिए यहाँ पर फाइल के अंदर क्लिक करूँगा। फाइल के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जाऊँगा इम्पोर्ट के अंदर, जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, डी ड्राइव के ऊपर मैं जाकर एक यहाँ पर एक लोगो यहाँ पर मैं अटैच कर लेता हूँ। दोस्तों, बेसिकली आपके पास जो भी लोगो है, वही लोगो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी लोगो है, वही अटैच कर लीजिए। जैसे कि ये वाला लोगो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट करने के बाद दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली, आप लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहते हो तो इंटर करते हुए डायरेक्टली यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इस तरीके से साइज़ वगैरह छोटा करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से कंपनी का लोगो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइज़ छोटा करते हुए इसको दोस्तों यहाँ पर अटैच कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पर लोगो अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों, आप शायद इसको थोड़ा सा इधर उधर करते हुए यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आप शायद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी कंपनी के नेम है, वो कम्प्लीटली डिटेल्स यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मैं टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करूँगा। आप लोग ध्यान से देखिए, टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरीके से टेक्स्ट टूल प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ, एग्जैक्टली इसी लाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट आपको पसंद है, यहाँ पर आपको ये सारा फॉन्ट आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैं चुंग 5 वाला ये वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा। जस्ट यहाँ पर यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सबसे पहले कंपनी का नेम, यहाँ पर मैं ग्लोबल तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ईमेल भी टाइप किया। आप लोग देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने डिटेल्स टाइप कर चुका हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये लाइन आपको प्रिंट करते हुए नज़र में देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट आपको, आप लोग एक बार यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। दोस्तों, देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पर आपको ईजिली कुछ भी लाइन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आपको सिंपली यहाँ से क्लोज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करते हुए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर में क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर एक टाइप करना है मनी रिसिप्ट। जस्ट इसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से मैंने टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर दोस्तों ये वाला फॉन्ट देना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट साइज हमें भी 16 के आसपास देकर इसको दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ये वाला
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट 14 का है, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करूँगा, मे बी 12 के आसपास करते हुए दोस्तों देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ पर अटैच करते हुए, जस्ट इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए थोड़ा सा इधर करते हुए यहाँ पर मैं इस टाइम ये वाला कॉलर फिल कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग डेट अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि एरियल फॉन्ट सेट करते हैं, यहाँ पर मैं डेट टाइप करते हुए यूज़ करूँगा, आप लोग देख सकते हो डेट। तो यहाँ पर मैं इसको फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा कैलिब्री लाइट फॉन्ट, तो यहाँ पर मैं इसलो इसको आपका देख सकते हो, यहाँ पर मैं डट इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा, जस्ट इसको भी यहाँ पर फॉन्ट साइज में भी 12 के आसपास कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा और फॉन्ट बड़ा करते हुए यहाँ पर यूज़ कर दूंगा, जस्ट इसको ऊपर यूज़ करते हुए यहाँ पर इजिली यूज़ कर दूंगा। आप चाहे तो यहाँ पर कैलिब्री का फॉन्ट बोल्ड वगैरह फॉन्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कैलिब्री, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैलिब्री बोल्ड फॉन्ट है, जस्ट इसको यूज़ कर देना है ताकि इजीली आप लोग को यहाँ पर देखने को मिले। अब दोस्तों आपको जो भी डिटेल्स वगैरह है तो यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए जगह बनाना है, जस्ट आपको यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर में ही क्लिक करते हुए यहाँ से आप लोग टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ करते हुए आपको दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट 12 या फिर 14 आपको देकर यूज करना है। मैं यहाँ पर दोस्तों 14 के आसपास का फॉन्ट देकर यहाँ पर फिर से कैलिब्री बोल्ड फॉन्ट यूज करते हुए यहाँ पर टाइप करूंगा। सबसे पहले दोस्तों रिसीप नंबर यानी कि रिसीप विथ टाइप करूंगा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिसीप विथ फ्रॉम टैंक्स टाइप किया, जस्ट इसको यहाँ पर मैं कैलिब्री लाइट यूज करूंगा ताकि यहाँ पर इजिली इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिले। थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का फॉन्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो तो भी आप लोग इजिली यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट आपको कैलिब्री ऑनली फॉन्ट इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी स्पेस लेकर डट इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से डॉट आ चुका है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर अमाउंट फॉर रुपीज जिस तरीके से यहाँ पर मैंने टाइप किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से यूज कर दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा स्पेस लेकर इस तरीके से डट अप्लाई कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से आ चुका है। अब आपको दोस्तों फिर से एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर बाई कैश, तो बाई कैश चेक नंबर इस तरीके से मैंने टाइप किया, जस्ट इसके स्पेस लेकर यहाँ पर डट अप्लाई कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करूंगा बैंक नेम, जस्ट आपको डेट इस तरीके से यूज करते हुए यहाँ पर आपको डेट टाइप करना है, जस्ट आपको इस तरीके से डेट अप्लाई करते हुए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैंक नेम इस तरीके से के अंदर डेट अप्लाई कर देना है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ से फिर से आपको एंटर करते हुए यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉर द प्रपोज, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो इतना तक यहाँ पर कम्प्लीटली एक मनी रिसिप्ट का डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर रुपीज़ के लिए जगह बनाने है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एक शेप्स ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से जगह बना देना है, जस्ट आपको यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई कर देना, आउटलाइन आपको नो आउटलाइन यहाँ पर आपको राइट क्लिक करते आउटलाइन रिमूव कर देना है, ताकि इस तरीके से आपको यहाँ पर ईजिली इतना तक आपको डिज़ाइन देखने को मिले। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ऑफ कर देना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करते हुए यहाँ पर आपको एक रुपीज़ के लिए जगह बनाने, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल के अंदर ही क्लिक करते हुए या फिर आपको इसी को कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हुए यहाँ पर आपको टाइप कर देना है टेक्स्ट टूल के अंदर ही क्लिक करते हुए, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइप करना है रुपीज़, तो इस तरीके से RS डॉट इस तरीके से। अब आपको इसको यहाँ पर रखते हुए थोड़ा सा यहाँ से आपको इजिली इस तरीके से बड़ा छोटा करते हुए इसको राइट क्लिक करते हुए आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देना, ऑर्डर के अंदर क्लिक करते हुए दोस्तों देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ पेज इस तरीके से क्लिक करते हुए आपको दोस्तों राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर व्हाइट कलर देना है, व्हाइट कलर के ऊपर में लेफ्ट एंड राइट क्लिक करते हुए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर के लिए जगह बना देना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते हुए जस्ट आपको क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको कैलिब्री फॉन्ट सिंपल सा फॉन्ट आपको कैलिब्री सेलेक्ट करते हुए या फिर आपको एरियल वगैरह फॉन्ट सेलेक्ट करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर SIGNATURE सिग्नेचर जस्ट आपके इस तरीके से टर आपको यहाँ पर बनाकर इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हुए 2014 के आसपास करते हुए इस तरीके से आपको यहाँ पर कम्प्लीटली डिजाइंस कर देना है। तो डिजाइंस करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क क्रिएट करना है, तो इसी शेप को यानी कि इसी लोगो को कंट्रोल डी क्रिएट करते हुए इसको दोस्तों वाटरमार्क बनाने के लिए यहाँ पर आपको शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से आपको बड़ा करते हुए जितना हो सके आपको यहाँ पर ये वाला लोगो को बड़ा करते हुए इसको यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर रखते हुए इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से अटैच करते हुए अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसको
यहाँ पर बीट मैप आपको देख सकते हो, बीट मैप के अंदर क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू बीट मैप के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर करने के बाद जस्ट आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, जितना हो सके आपको यहाँ पर इतना ही देना है, जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वही रखते हो, ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हो टूल बार के अंदर ट्रांसपेरेंसी का टूल है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टूल्स का ढेर सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ये वाला यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसपेरेंसी के अंदर। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आ चुका है। यहाँ से इसको आपको स्लाइडर को स्लाइड करते हैं, आपको जितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए इस लोगो का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मैनेज कर सकते हो। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर 90 के आसपास कर देना है, तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर मैंने सिर्फ डिजाइन हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए एक्सपोर्ट के अंदर क्लिक करते हुए जस्ट आपको यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर क्लिक करते हुए मुझे यहाँ पर जेपीजी के अंदर सेव करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जेपीजी फॉर्मेट भी है। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए सिंपली आपको जो भी नेम देना है वो दे सकते हो। जस्ट यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करते हुए येस करते हुए यहाँ पर इसको ओके करते हुए सेव कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जेपीजी के अंदर कितना प्यारा तरीके से फोटोज़ के थ्रू यहाँ पर मनी रिसिप्ट का बिल डिज़ाइन कम्प्लीटली यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग कोरलड्रॉ के अंदर मनी रिसिप्ट का बिल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर जुड़ा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।